खबर बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां वार्षिक खेलों की प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाया जोशो खरोश। इंडस इंजीनियरिंग कॉलेज में वार्षिक खेलों का आयोजन हुआ संपन्न। इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में वार्षिक खेलों की प्रतियोगिताएं हुई संपन्न। आइए जानते हैं विस्तार से। जनपद कानपुर नगर के तहसील बिल्हौर के अंतर्गत बिल्हौर नगर पालिका क्षेत्र से सटे हुए जीटी रोड के मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर ककवान रोड पर स्थित इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में वार्षिक खेलों का आयोजन बड़ी भव्यता और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सप्त दिवसीय खेलों के आयोजन में वॉल पेंटिंग, रंगोली, खो खो, चेस, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और पोस्टर मेकिंग आदि की प्रतियोगिताएँ हुईं, जिसमें वॉल पेंटिंग में सांभवी और अनन्या की जोड़ी विजयी हुई, वहीं सचिन तिवारी दूसरे पायदान पर रहे। रंगोली बनाने की प्रतियोगिता में प्रज्ञा, पूर्णिमा और ज्योति की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं दूसरे स्थान पर आरती, नंदिनी, प्रियांशी और आकांक्षा रहीं, जबकि तीसरे स्थान पर कल्पना, अंशिका और प्रिया रहीं। खो खो प्रतियोगिता में बीटेक सेकेंड ईयर की टीम विनर रही, जबकि फर्स्ट ईयर की टीम रनर अप रही। चेस प्रतियोगिता में बीटेक तृतीय वर्ष के मयंक विनर रहे, जबकि बीटेक फाइनल ईयर के आदित्य रनर रहे। बैडमिंटन में राज एवं गोपाल की टीम विनर रही, जबकि सुफियान एवं आलम की टीम रनर रही। बैडमिंटन गर्ल्स की प्रतियोगिता में अंशिका और अंजलि की टीम विनर रही, जबकि कशिश और प्रिया की टीम रनर रही। फुटबॉल प्रतियोगिता में बीटेक फोर्थ ईयर की टीम विनर रही, जबकि फर्स्ट ईयर की टीम रनर रही। फुटबॉल की प्रतियोगिता में फोर्थ ईयर की टीम विनर रही, जबकि फर्स्ट ईयर की टीम रनर रही। क्रिकेट प्रतियोगिताओं में फर्स्ट ईयर की टीम विजयी हुई, जबकि फोर्थ ईयर की टीम रनर रही। अंत में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया, जिसमें कशिश और अपूर्वा के पोस्टर्स ने दर्शकों को लुभाया और प्रथम स्थान पर रहे। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के निदेशक डॉक्टर एनएस परमार, डीन शैक्षणिक अनंत सिंह, डीन ह्यूमन रिसोर्सेस विजय दीक्षित, डीन स्टूडेंट वेलफेयर संजय सिंह, रजिस्ट्रार धीरज जोशी, हिमतोष नारायण द्विवेदी, सुभाष मिश्रा, अभिषेक श्रीवास्तव, हरिओम सिंह यादव, मोहित गंगवार, आशीष कुमार, अमित वर्मा, सौरभ गुप्ता, हर्ष मिश्रा, नैन्सी मिश्रा, प्रखर तिवारी, नेहा अवस्थी आदि की देखरेख में सम्पन्न हुआ। उक्त खेलों की प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर और बड़े जोशो खरोश के साथ प्रतिभाग किया। उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन में बीटेक व पॉलिटेक्निक द्वितीय वर्ष के छात्रों की सराहनीय भूमिका रही, जिसमें शिवेंद्र दुबे, अनन्या श्रीवास्तव और अदिति दीक्षित आदि अग्रिम पंक्ति में रहे। आइए देखें कार्यक्रम की एक झलक। बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। संकल्प खरा उन पर उतरना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन हमें करना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन हमें करना होगा। लिए संकल्प खरा उन पर उतरना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन हमें करना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन हमें करना होगा। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। राज सर को जाता है, उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंस किया और बहुत अच्छे अटैक की वजह से इस मैच का मैन ऑफ द मैच राज सर को दिया जाता है। राज सर जर्सी नंबर 7, राज सर मैन ऑफ द मैच। कल वॉलीबॉल का मैच हुआ था, जिसमें रेड जोन ने फाइनल जीता था और ये मैच
और आज एक बहुत बड़ा मुकाबला होना है 2:30 बजे से सेमीफाइनल 2 रेड जोन वर्सेस वेस्ट राइडर। फाइनल मुकाबले में से कर चुकी है और आज सेमीफाइनल 2 मुकाबला खेला जाएगा 2:30 बजे से वेस्ट राइडर और रेड जोन के बीच में। जो इस मुकाबले को जीतेगा वो कल सुबह 10 बजे से क्रिकेट का फाइनल होगा। आज जो ये मुकाबला जीतेगा उसकी भिड़त सुपर जायंट से होगी फाइनल। सर आप इंडस कॉलेज में गेम्स के हेड हैं, स्पोर्ट्स हेड हैं, ये जो एक सप्ताह से यहाँ पर गेम्स हो रहे हैं एनुअल गेम्स, इसमें कौन रनर विनर की क्या स्थिति है और कब इनको पुरस्कृत करेंगे जो फाइनल टीम में रही हैं, वह क्या है, क्या कोई जानकारी देना चाहेंगे? सर हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ हर साल एनुअल स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है जिसमें मल्टीपल गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। गेम्स के साथ में ये स्पोर्ट्स कमेटी और कल्चरल कमेटी का एक कॉमन प्रोग्राम होता है जिसमें कल्चरल इवेंट होते हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, बैडमिंटन हुआ, इंडोर गेम्स में चेस हुआ, टग ऑफ वार, और इसके अलावा रंगोली में अपना रंगोली, वॉल पेंटिंग, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे यहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स, आउटडोर दोनों तरह के गेम्स कराए जा रहे हैं, जिसमें अभी आज हमारा सेमीफाइनल हो जाएगा। कुछ फुटबॉल के फाइनल मुकाबले हो चुके हैं जिनमें हमारा फाइनल ईयर 4th ईयर जो विजेता रहा है, इनका पूरा सेलिब्रेशन जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी वो कल दिनांक 13 तारीख को कराई जाएगी, जिसमें सभी जो विनर होंगे, रनर अप होंगे, उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा और आगे के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इस गेम्स के आयोजन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसा कोऑपरेशन मिल रहा है और कॉलेज प्रबंधन का क्या कोऑपरेशन मिल रहा है आपको? कॉलेज प्रबंधन हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और ये सेकंड ईयर के सभी छात्रों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें फर्स्ट ईयर का सपोर्ट रहा है और थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के छात्र उनको सिखा रहे हैं, गाइडेंस अंडर गाइडेंस उनसे काम करवा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि कैसे उनको ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है जिससे उनके अंदर टीम भावना, स्पोर्ट स्पिरिट का डेवलपमेंट होता है और वो टीम के साथ काम करना, उसमें उनका एक शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में उनको सहायता होती है। खो खो गेम अभी हुआ है, इसमें कौन विनर टीम रही, कौन रनर टीम रही? सेकेंड ईयर की टीम विनर रही है, यानी कि कैप्टन हमीद है, जो हमारी टीम। क्या नाम है आपका? जी, किन के बीच में मुकाबला रहा? फर्स्ट ईयर वर्सेस सेकेंड ईयर। अच्छा, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, एज ए कैप्टन बहुत प्राउड फील हो रहा है अपनी टीम पे, मेरी टीम ने अच्छा खेला, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन लोगों ने।